नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कलौजी का मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही थी मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा इस मसाला को बना के जार में भर के रखती हूँ, क्योंकि किचन में टाइम वो जल्दी जल्दी अगर मैं खाना बनाना है, समय नहीं है, उस टाइम पे ये कलौजी का मसाला बहुत अच्छा काम कर जाता है। क्योंकि एक ही मसाले में सब्जी बनकर रेडी हो जाए, किसी भी सूखी सब्जी में आप डालकर इसको बना सकते हो, सब वाह वाह करके खाएंगे, इतना टेस्टी ये मसाला होता है। तो आज मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों में कुछ लोगों को ना पता हो तो काफ़ी हेल्प मिल सके। कलौजी, बहुत सारी कलौजी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हो। आज सिर्फ मसाला की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। एकदम क्विक एंड टेस्टी कलौजी का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ मसाले साबुत ले लिए हैं। साबुत मसाले को ड्राई रोस्ट करके फिर हम पाउडर बनाकर कलौजी बनाते हैं। उसका टेस्ट ना एकदम मतलब अलग आता है, मैं बता नहीं सकती कितना टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया ले लिया है, ये कटोरी भर के, मैंने दो कटोरी भर के ये धनिया लिया है। किसी भी चीज़ से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, मैंने सब कटोरी से ही किया है। एक कटोरी भर के मैंने ले लिया है सौंफ, और ये बहुत स्ट्रांग होता है सौंफ, तो एक कटोरी लिया है। और उससे स्ट्रांग ये होता है मेथी, तो एक चौथाई कटोरी भर के लिया है मैंने। एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, एक कटोरी भर के मैंने मिर्चा लिया है तीखा वाला लाल मिर्च, और यहाँ पे कलौजी। अच्छा, मेरे चैनल पे ना बहुत टाइप के कलौजी की रेसिपी है, आप चेक कर सकते हो। मैं ये कलौजी सीड नहीं डालती हूँ, मुझे ये कलौजी में पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर मैं आप पसंद करते हो तो एक चौथाई कटोरी भर के ये कलौजी का सीड इसमें डाल सकते हो, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि मतलब किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं। तो मैं हमेशा इतने मसालों के साथ कलौजी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये आप पसंद करते हो कलौजी तो ये भी इसमें ऐड करना। कलौजी मतलब ये तो जाना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो ये हो गया, मैंने एक साथ ही ले लिया है, क्योंकि हमें इसको हल्के हाँ आँच पे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमको भुनना है, इत्मीनान से। फ्लेम ज़्यादा मत करना, एक साथ ही बढ़िया कलर आ जाएगा। हाई फ्लेम पे अगर मैं सेकोगे तो कुछ जल जाएगा, कुछ मतलब कच्चा रह जाएगा, लेकिन जैसा मैं बता रही हूँ एकदम ध्यान से इस तरह से भुनोगे तो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, एक साथ ही सब कुछ भुन जाएगा मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए। इसमें से चटचटाने की आवाज़ आने लगी है। अब यहाँ पे अगर मैं एक साथ आपको कंफ्यूजन हो ना, ना बैलेंस कर पाओ आज को, या ना श्योर हो कि एक साथ भून लोगे, तो आप अलग अलग भी भून सकते हो, जो आपको इजी हो। ये मसाला हमारा भून करके रेडी हो गया है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। ये देखो, मैं पास से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए। ये देखो, ये हो गया। दूसरी प्लेट में निकाल करके इसको ठंडा करके हमें इसका पाउडर बनाना है। मसाला ठंडा हो गया है, मिक्सर जार में डाल के हम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखो कितना बारीक हमें पाउडर बनाना है, ये देखो, ये देखो पूरा पीस करके मैंने रेडी कर लिया है। इतना काम तो हो गया ड्राई रोस्ट करके पीसने वाला। अब इसमें और हमें क्या ऐड करना है, हल्दी। हल्दी अक्खा हम लेके पीसेंगे खड़ा तो मिक्सर जार का ब्लेड टूट जाएगा, इसलिए पाउडर ही डालना आप। दो बड़ा चम्मच, ये बड़ा चम्मच भर के मैंने हल्दी ले लिया है, और इसमें यही दो बड़ा चम्मच भर के मैंने अमचूर का पाउडर ले लिया है, और इसमें अब हम नमक डाल देंगे।
नमक, वैसे भी जब हम कोई भी सब्जी बनाएंगे या कलौजी बनाएंगे तो सब्जी को टेस्ट करके नमक कम होगा उसमें हम और ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसमें अंदाज के डाल देते हैं। तो एक बड़ा चम्मच मतलब 2 छोटा चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। ये बड़ा चम्मच, एक बड़ा चम्मच, ये आधा और कर देते हैं, कम लग रहा है। ये हो गया, इसको मिक्स कर देना है प्रॉपर। ये मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया कलौजी का। अब ये सूखा मसाला हो गया। जब हम कलौजी बनाते हैं, स्टफिंग करते हैं, उसमें कुछ मसाला और ऐड करना रहता है, कुछ 2-3 चीज़ ही। ये सूखा मसाला रेडी हो गया। अब इसको बना करके आप इसको ठंडा कर लो प्रॉपर। फिर एक कांच के जार में इस तरह से भर के आप इसको रख सकते हो बाहर फ्रिज में। नहीं, ये 6 महीने से लेके 1 साल तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये स्टोर करने तक का काम हो गया। ठीक, अब इस कलौजी जब हम स्टफिंग करने जाते हैं तो और उसमें क्या ऐड करते हैं ये हम देख लेते हैं। इसको रख दिया साइड में। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, यहाँ पे हम कलौजी का मसाला ले लेंगे, अराउंड 4 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया कलौजी का मसाला। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन। देखो, 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन, इसमें लहसुन का पेस्ट आप ज़रूर डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये हो गया अराउंड 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ये बस इतना ही जाएगा। हाथ से इसको मिक्स कर लो बढ़िया बढ़िया। मिक्स कर लिया है। अब ये लहसुन डाल के हम मिक्स करके नहीं स्टोर कर सकते ना ज़्यादा टाइम के लिए, बस यही 2 ही चीज़ डालना है। अच्छा, नमक कम ज़्यादा इसी स्टेज पे आप टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। और हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले रखी हैं, बैंगन, आलू और करेला। अब लो, मैंने ऐसे काट करके बीच से स्लिट कर दिया है। इसमें हम कलौजी का मसाला भर देंगे। अब इस ऐसे भर के बस बनाना ही है। कितना आसान हो गया लाइफ। ये कलौजी भी भर कर मैंने रेडी कर लिया, कलौजी का मसाला भी रेडी हो गया है। अब ये कुक कैसे करते हैं, इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हो। बस इतना सा मेहनत एक बार करके रख दोगे तो लाइफ एकदम आसान हो जाएगा। इस मसाले को स्टोर करके जब भी रखेंगे ना लॉन्ग टाइम के लिए, तो बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा करके रखना। ठंडा नहीं करोगे ना तो स्टीम जो पानी निकलेगा उसमें रिलीज़ होगा, उसमें झाले पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, आगे आप समझ सकते हो क्या होगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।